Next question. Question says a charge Q microcolumn is placed at the center of a cube. The flux coming out from each face will be. हमें बताना है कि Q चार्ज है, उसको आपने क्यूब के अंदर रख दिया है, तो each face से, किसी भी एक फेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है. बहुत सिंपल सवाल है. ये आपका अगर मान लीजिए क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर पे अगर आपने कोई चार्ज Q रख दिया है, यहाँ पे Q चार्ज, तो नेट फ्लक्स जो होएगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो इस केस में ये हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट. लेकिन हमसे यहाँ सवाल पूछा है कि ईच फेस या फिर किसी भी एक फेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो उस फ्लक्स को हम लिख सकते हैं 1/6 ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट. सो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 1/6 ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे अपने को चार्ज जो दिया हुआ है दैट इज़ Q माइक्रोकोलम, यानी कि 10⁻⁻6 हम ऐसे लिख सकते हैं. सो बेस्ड ऑन दिस क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर A वुड बी द राइट आंसर.